प्लूटो, जिसे कई सालों से प्लैनेट माना जाता रहा था, उसे 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। साल 1930 में क्लाइड टॉम्बक के द्वारा खोजा गया प्लूटो को उस वक्त तो प्लैनेट का दर्जा मिल गया था, पर 1992 में पहली बार प्लूटो के प्लैनेट होने पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि प्लूटो के ही तरह कई और ऑब्जेक्ट काइपर बेल्ट में मिलने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। हुआ कुछ यूं कि साल 2005 में एरिस नामक एक बौना ग्रह खोजा गया, जो प्लूटो से 27% अधिक मैसिव था और उसका बिहेवियर भी प्लूटो की ही तरह था। इस बौने ग्रह की खोज ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को फिर से प्लैनेट की डेफिनेशन देने के लिए मजबूर कर दिया, और नए डेफिनेशन के हिसाब से एक प्लैनेट उसी सेलेस्टियल बॉडी को माना जा सकता था जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, यह इतना बड़ा हो कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका शेप गोलाकार हो, इसमें इतना जोर हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। पहले दो मानक तो प्लूटो पूरा करता था, पर तीसरा मानक पे प्लूटो खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसकी कक्षा नेपच्यून से टकराती थी। इसके साथ ही जहाँ सभी प्लैनेट एक समान गोलाकार ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते थे, पर प्लूटो 17 डिग्री के कोण पर नेपच्यून की कक्षा से टकराते हुए सूर्य की परिक्रमा करता था, जिसे लगभग सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल निकल जाते थे। अगर ऐसे में प्लूटो को एक ग्रह मान लिया जाता तो IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नए डेफिनेशन के अनुसार कई और ऑब्जेक्ट प्लैनेट बन जाते। इसलिए IAU ने 26वें जनरल असेंबली में प्लूटो को ग्रह ना मानते हुए एक बौना ग्रह माना। हालांकि कई खगोलशास्त्री प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल करने से सहमत नहीं थे, पर फिर भी प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। जनवरी 2006 में नासा ने प्लूटो के लिए पहला मिशन न्यू होरिजोन लॉन्च किया, जो कि जुलाई 2015 में प्लूटो के सबसे नजदीक से गुजरा। इस मिशन का मकसद था कि प्लूटो से जुड़ी और अधिक सटीक जानकारियां भेजना, साथ ही काइपर बेल्ट से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करना। इस मिशन की खास बात यह थी कि प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बक की अस्थियां भी इस मिशन के साथ भेजी गई, जो कि किसी भी खोजकर्ता के लिए सबसे सम्मानजनक बात है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑल इन वन को।